ऐसे रसीले और एकदम सॉफ्ट ऐसे गुलाब जामुन देखकर किसका मन खाने को नहीं ललचाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुमताज़ किचन। वैसे तो मावे से बने हुए गुलाब जामुनों का कोई तोड़ नहीं, चाहे आप मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बना लें, चाहे सूजी के, चाहे ब्रेड के, लेकिन मावे के बने हुए गुलाब जामुन सबसे बेहतर होते हैं। परंतु आज यह गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं रेडीमेड गुलाब जामुन मिक्स से, फिर भी बहुत ही टेस्टी और एकदम रसीले गुलाब जामुन बने हैं, और तो और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी रेसिपी। इसके लिए एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में 1.25 कप शक्कर लें, कप के माप से 1.25 कप, और यदि वजन के माप से देखें तो 300 ग्राम शक्कर है। अब जितनी हमने शक्कर ली है उतना ही पानी लेना है, यानी 1.25 कप पानी इसमें डालना है। अब इसे चाशनी बनाने के लिए गैस पर तेज आंच पर उबलने के लिए रखें। आप यदि पसंद करते हो तो इसमें 3-4 इलायची खोल कर डालें। मेरे घर में इलायची पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। और इसमें डालें कुछ धागे केसर के। इसे तेज आंच पर ही उबलने के लिए रख दें। केसर डालने से रंग बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत बेहतर होता है, इसलिए केसर का उपयोग किया है। आप चाहें तो खाने वाले रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब यह 3-4 मिनट उबल जाए तब देखें क्या इसमें हल्की हल्की तार पड़ने लगी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिप पर चाशनी की आवश्यकता होती है। यानी दिखाए अनुसार जैसे ही एकदम चिपचिपी चाशनी बन जाए, यानी उसमें हल्का सा तार आने चालू हो जाए, तो समझ लीजिए चाशनी तैयार हो चुकी है। इस स्थिति में गैस को बंद कर दीजिए और इस चाशनी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में धीमी आंच पर घी गर्म करने के लिए रखें। आप चाहें तो इसे तेल में भी तल सकती हैं, परंतु घी में तले हुए गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ मैंने लिया है चितले का 200 ग्राम का गुलाब जामुन मिक्स, परंतु मैं इसमें से सिर्फ आधा पैकेट ही यूज़ करने वाली हूँ, यानी सिर्फ 100 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स को एक बड़े बोल में निकालिए। अब बचे हुए पैकेट को दिखाए अनुसार अच्छी तरह से बंद करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, परंतु इसे महीने भर के अंदर ही उपयोग में लेना आवश्यक है। अब 100 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स में हमें करीबन 60 मिलीलीटर दूध मिलाना है। पैकेट पर दिए गए निर्देश के अनुसार आप इसमें पानी मिला सकते हैं, परंतु मैं इसे दूध मिलाकर ही बनाती हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। दूध को थोड़ा थोड़ा करते हुए मिलाएं और धीरे धीरे इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लें। हमें यहाँ पर एकदम नरम आटा गूंथ कर तैयार करना है। दूध एकदम से डाल देंगे तो हो सकता है उस गुलाब जामुन मिक्स में गुठलियाँ पड़ जाएं, इसलिए दूध को धीरे धीरे करते हुए डालिए। यदि इसे अच्छी तरह से गूंथने पर एकदम सॉफ्ट आटा ना मिले तो 1 से 2 चम्मच दूध और डाल सकती हैं, परंतु आटा हमें एकदम नरम ही गूंथना है, अन्यथा गुलाब जामुन की बाहरी परत बहुत ही कड़ी बनेगी और गुलाब जामुन के बीचों बीच गुठली बन जाएगी और वहाँ तक चाशनी भी नहीं पहुँचेगी। यह गुलाब जामुन का आटा तैयार है। अब हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके पश्चात हाथों पर कुछ बूंदे शुद्ध घी की डालकर उसे चिकना कर लीजिए। आटे का छोटा सा पोर्शन लेकर उसे दिखाए अनुसार दबाते हुए गोला तैयार कर लीजिए। गोला बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पर कहीं पर भी कोई दरारें नहीं होनी चाहिए। इस बनाए हुए गोले को अलग रख दीजिए। इसी तरह सारे आटे के छोटे छोटे एक समान गोले बनाकर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं एकदम चिकनी परत वाले गोले बने हैं। 100 ग्राम मिक्स से करीबन 15 से 16 गुलाब जामुन तैयार होते हैं। अब तक गैस पर रखा हुआ घी पिघल चुका होगा। हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। यदि घी ज़्यादा गर्म होगा तो गुलाब जामुन बाहर से तो हो जाएंगे परंतु अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसे चेक करने के लिए एक छोटा सा गुलाब जामुन का गोला डालकर देखिए, इसने तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि वह तुरंत ऊपर नहीं आता है, इसका मतलब
घी हमें चाहिए उतना ही गर्म है। ध्यान रहे, घी एकदम हल्का गर्म ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब इसमें हमने जो तैयार करके रखे हुए गोले हैं वह डाल दीजिए। एक समय में कढ़ाई में उतने ही गोले डालें जितने आसानी से हिलाते हुए आप तल सकें। गैस की आंच एकदम धीमी रखें और या तो कढ़ाई को हिलाते हुए या फिर चम्मच की सहायता से गुलाब जामुन को हिलाते हुए इसे हल्का हल्का तल लें। यदि तलते समय कभी भी आपको लगे कि घी ज़्यादा गर्म हो चुका है तो उस स्थिति में गैस को बंद कर दीजिए। 1 से 2 मिनट तक बंद गैस पर ही इसे तलते रहिए। उसके पश्चात पुनः गैस लगाकर एकदम धीमी आंच पर इसे सुनहरा होने तक तल लीजिए। अब इन तले हुए गुलाब जामुन को हमने तैयार करके रखी हुई चाशनी में डाल दीजिए। इस बात का ध्यान रखें चाशनी को भी एकदम ठंडा ना होने दें। गुनगुनी चाशनी में जब हम इसे डालेंगे तो यह तुरंत ही चाशनी को सोख लेते हैं और एकदम रसीले गुलाब जामुन बनते हैं। पहले से डले हुए गुलाब जामुन और अभी डाले हुए गुलाब जामुन के साइज़ में आप अंतर देख सकते हैं। पहले के डले हुए गुलाब जामुन चाशनी को सोख कर अच्छी तरह से फूल गए हैं। करीबन आधे घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे में आप देखेंगे सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से चाशनी को सोख कर फूल चुके हैं। यह सर्विंग के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व करें या फिर चाशनी के साथ ही इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके पश्चात गर्मा गर्म गुलाब जामुन सर्व करें। काट कर भी देखेंगे तो आप पाएंगे अंदर तक एकदम रसीले गुलाब जामुन बने हैं। तो आप ही बनाइए, खाइए, खिलाइए और आनंद लीजिए इन गुलाब जामुनों का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।